आज सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसक वारदातों के खिलाफ जवा के ग्राम पंचायत के ग्राउंड में बैठकर धरना प्रदर्शन किया और टीएमसी सरकार को आगाह किया कि ऐसी वारदातों को सरकार रोके, चुनाव जीतने के बाद सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करे। जहां पर सिरमौर विधायक जी ने कहा कि हम लोग यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एवं बाकी अन्य दलों के साथ चुनाव के बाद मारपीट की जा रही है, यहां तक कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया, कई महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाला गया, इसलिए सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से मांग करते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी शपथ ले रही हैं, लेकिन शपथ लेते समय ये याद रखें कि खून की होली को अगर अपनी चुनावी जीत मानती हैं तो ये गलत है। उनको सभी को साथ लेकर चुनाव के बाद सरकार चलानी चाहिए और पूरे पश्चिम बंगाल में सभी के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पर कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी एवं बाकी अन्य दलों के ऊपर भी जो चुनाव के बाद अत्याचार किया है, गुंडागर्दी करी है, मारपीट करी है और यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और कई सारी महिलाओं की इज्जत पे भी उन्होंने हाथ डाला है, उसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर आज धरना देने के लिए बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से हम ये मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी जी शपथ ले रही हैं, लेकिन शपथ लेते समय वो ये याद रखें कि खून की होली को अगर वो अपना चुनावी जीत मानती हैं तो ये गलत है। उनको सभी को अब साथ में लेकर के चुनाव के बाद सरकार चलानी चाहिए और पूरे पश्चिम बंगाल में सभी को एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। यदि ममता बनर्जी द्वारा कदम नहीं उठाया गया अगला तो क्या करेंगे आप लोग? अभी तो फिलहाल हम लोग धरना दे रहे हैं और बाकी ऊपर से जो निर्देश आएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।